रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, मैं भी ठीक हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ मटन मसाला। मटन मसाला की एक और रेसिपी मैंने जब आपको शेयर की थी फ्रेंड्स, तो ये थोड़ा डिफरेंट है, अलग अलग तरह का होता है। उसमें मैं दही नहीं डाली थी, इसमें दही डालूँगी, ठीक है? तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बन रही है मेरी आज, ठीक है? और जो भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें, ठीक है? तो अभी मैं इसमें डालूँगी, ये मेरे पास मटन है और ये 3 मीडियम साइज़ का कांदा है और ये थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, ठीक है? तो यहाँ पे 1/4 टीस्पून हल्दी और इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट और पानी, ठीक है? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगा। तो अदरक लहसुन का पेस्ट गया, ठीक है? तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं डालेंगे, हरी मिर्ची वगैरह, ठीक है? अभी इसमें मैं पानी डालूँगी अपने हिसाब से, ठीक है फ्रेंड्स? तो प्लीज़ 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 मेरी इस रेसिपी को एंड तक देखिए और मेरे मटन मसाला की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, ठीक है? और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा ऑयल, ठीक है? तो बस अभी हमें, देखिए फ्रेंड्स, इसे मैं अच्छे से हिलाकर इसे अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अभी इसकी मैं लेट लगा लूँगी, यानी कि सीटी प्रेशर कुकर कर लूँगी। तो आप एंड तक देखिए, मैं बार बार बोल रही हूँ आपको, ठीक है? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा कुकर रेडी है, अभी सीटी बजी है, ठीक है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, मुंबई में थोड़ा बहुत है ना सख्त होता है मटन, इसीलिए मैं इसे प्रेशर कुकर कर लेती हूँ। तो बोलने की वजह से वो लोग पतला पतला गोश्त मार के दे देते हैं, तो लेकिन फिर भी मुझे ठीक नहीं लगता है, ठीक है? देखिए फ्रेंड्स, ये भुना कुटा दरदरा सा धनिया पाउडर है, ठीक है? और ये गार्निश के लिए हरी मिर्च और कोतमीर और पुदीना, ठीक है? तो आप एंड तक देखिए मेरी रेसिपी, ठीक है? तभी मज़ा आएगा। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे तरीके से मेरा गोश्त गल गया है, तो पानी इसमें एक्स्ट्रा रह गया है, तो पानी को मैं सुखा लूँगी, ठीक है? तो फिर मेरी रेसिपी को देखते रहिए आगे आगे मैं क्या करती हूँ, मज़ेदार रेसिपी है, ठीक है फ्रेंड्स? अभी मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्च और इसे जब तक पकाऊँगी जब तक ये पानी सूख जाए, ठीक है? तो देखते रहिए मेरी रेसिपी को कंटिन्यू। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा ये जो गोश्त है ये परफेक्ट एकदम बेहतरीन सा रेडी है। तो अभी मैं इसे यहाँ पे ट्रांसफर कर लूँगी, ठीक है? देखिए, ये आ गई है कढ़ाई यहाँ पर, इसमें मैंने मेरे हिसाब से थोड़ा सा तेल डाल लिया है, ठीक है? तो आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें और बोले कैसा बना। अगर आपको नहीं बनाना आ रहा है तो मेरी इस रेसिपी से ट्राई कर लीजिए, ठीक है? तो अभी मैं जो हमारा मटन जो गोश्त रेडी हो गया है ना, कांदा जो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के मैंने तैयार किया था, तो अभी हम इसमें डालेंगे, ठीक है? देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह बोलिए, ठीक है? तो अभी मैं इसमें डालूँगी सभी मसाले थोड़े थोड़े करके, ठीक है? तो मैं यहाँ पर टमाटर बिल्कुल भी ऐड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मसाले ऐड कर रही हूँ, जैसे कि धनिया पाउडर हो गया, मटन मसाला हो गया, गरम मसाला हो गया, दही हो गया, ठीक है? और लाल मिर्च पाउडर, ठीक है? हल्दी हम नहीं डालेंगे, हल्दी हमने पहले भी डाल दी थी, ठीक है? तो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर है ये मसाले मेरे, जैसे कि लाल मिर्च, ये मीट मसाला, ये धनिया पाउडर कुटा हुआ और ये है गरम मसाला, ठीक है? अभी इन सभी चीज़ों को इसमें डालेंगे, ठीक है? अगर आप तीखा खाते हैं तो ज़्यादा डालिए, अगर नहीं खाते हैं तो कम डालिए। मैं हरी मिर्च भी डाली हूँ फ्रेंड्स इसमें, ठीक है? इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम 2-3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। भून लेने के बाद इसमें हम दही ऐड कर लेंगे, ठीक है? तो दही ऐड करने के बाद थोड़ा गैस के फ्लेम को स्लो कर देंगे। हमारा दही जब पानी छोड़ेगा तो हमारी हमारा मटन मसाला बिल्कुल रेडी है। अगर आपका गोश्त नरम है, यानी कि सख्त नहीं है, तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, कुकर में डालने की ज़रूरत भी नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है? मैं आपको पहले भी बता रही हूँ और अभी भी बता दिया, ठीक है? तो माशाल्लाह माशाल्लाह बोलिए मेरी इस रेसिपी के लिए, ठीक है? बेहतरीन सी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स, बहुत ही बेहतरीन सी मसालों की, ठीक है? तो अभी मैं इसमें दही ऐड करूँगी, ठीक है? यहाँ पे दही ऐड करने के बाद मेरा गैस का फ्लो स्लो कर दूँगी मैं, ठीक है? ये अभी हो गया है स्लो,
ठीक है। देखिए फ्रेंड्स अभी ये सिलो हो गया है, तो अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर नमक थोड़ा कम ज़्यादा लगे तो आप टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए, ठीक है। बाकी सभी चीज़ें मैं मेरे हिसाब से डालूँगी, ठीक है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बोलिए प्लीज़, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स माशाल्लाह बोलिए, आप बोलेंगे कि आप बार बार माशाल्लाह माशाल्लाह ही बोल रही है, क्योंकि मुझे मेरी रेसिपी बहुत पसंद आती है, इसीलिए मैं सबको बोलती हूँ कि माशाल्लाह बोलिए, ठीक है। देखिए मेरी ये रेसिपी बिल्कुल रेडी है, तो मैं इसे गार्निश कर लूँगी हरा धनिया और पुदीने के साथ, यानी कि कोथमीर और पुदीना, ठीक है। अगर आप नींबू डालना चाह रहे हैं तो आपके हिसाब से आप डालिए, मैं नींबू ऐड नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, ठीक है। मेरा वीडियो है ना लंबा बन जा रहा है, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।